नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। कुकरैज फ्रंट के संकल्प के बीच अकबर नगर प्रथम और द्वितीय का अतिक्रमण पूरी तरीके से हट चुका है। अब इसके बाद और कई इलाके भी अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर और पंत नगर में भी अवैध निर्माण गिराने की तैयारी है। सोमवार को एलडीए, जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने रहीम नगर में सर्वे किया और जिन मकानों को गिराया जाना है उन पर लाल निशान लगाया। जानकारी के मुताबिक अबरार नगर और पंत नगर में भी सर्वे किया जाएगा, जहां लगभग 700 से ज्यादा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की योजना है। सिंचाई विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुकरैल नदी के बहाव क्षेत्र के अलावा दोनों तरफ 50-50 मीटर तक हुए अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। मंगलवार से मैपिंग की संभावना है, उसके बाद बुलडोजर की कार्यवाही की जाएगी। सर्वे की जानकारी पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने मौके पर जाकर सर्वे की स्थिति जानने के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। नगर प्रथम द्वितीय के बाद अब यहाँ पर रहीम नगर, अबरार नगर में कार्रवाई की बात कही जा रही है। अबरार नगर पूर्णतया अवैध था, क्योंकि तटबंध के अंदर कॉलोनी बनी थी, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, सिर्फ आधार की कापी, बिजली का बिल और जो नगर निगम के कागजात थे, उसके आधार पर हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिमोलिशन का निर्णय दे दिया। अच्छा। वो पूरी तरह समाप्त हो चुका। लेकिन जहाँ तक बात कुकरैल नदी की है, ये 28 किलोमीटर का क्षेत्र है जो आपके भैंसा कुंड से शुरू होकर अस्थि गांव तक जाता है, जो बक्सी का तालाब पे स्थित है। उस बीच में सभी ज़मीनें अवैध नहीं हैं, उसमें खसरा, खतौनी, सिंचाई, चकबंदी, लेखपाल के सभी कागज भी लोगों के पास उपलब्ध हैं। रही बात 50 मीटर का जो नोटिफिकेशन आया है सिंचाई विभाग का, 50 मीटर नदी का स्वरूप कभी एक जैसा नहीं रहता है कि सभी जगह 50 मीटर ही बराबर रहे। यदि सरकार चाहती है इसके सौंदर्यीकरण को करने का, उसका सरकार का स्वागत है, लेकिन जिनकी किसानी की ज़मीन है, जिनके पास कागजात हैं, जिनके पास सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसको यथाचित देख के अगर उनको एक्वायर्ड करने की ज़रूरत है, पूरा अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर एक्वायर्ड करें, उसका पेमेंट करें, सबके पास सारे कागजात उपलब्ध हैं। समस्या ये है कि 50 मीटर का स्वरूप सब जगह एक समान नहीं हो सकता है नदी का, विषय ये है। क्या कहेंगी, यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और अब यहाँ पर फिलहाल निशान लगाए जा रहे हैं जो अवैध यहाँ पर निर्माण है, क्या कहेंगे? अब हम क्या कहेंगे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं, हम क्यों कहें भैया, क्या कहें? हमको ये क्या जाने कि ये गलत है या सही है, हमको ये भी तो पता होना चाहिए। जब हमको मालूम नहीं है कि ये सही है या गलत है तो हम क्या कहेंगे, आप बताइए। सरकार कह रही गलत है, आप सही कैसे बोल सकते हैं? आखिर सरकार कह रहा गलत है तो हम भी कह रहे गलत है, बस गलत है गलत है। अच्छा, पर आप अभी बोल रही थी हाउस टैक्स की, बिजली की बोल रही थी, तो सरकार काहे ले रही है, सरकार काहे ले रही है, वही बात क्या कह रहे हैं ना, सरकार काहे ले रही है, बताइए जी। क्या कहेंगी, यहाँ पर कार्रवाई की शुरुआत की जा रही है, यहाँ पर सर्वे हो रहा है, निशान लगाए जा रहे हैं जो अवैध निर्माण यहाँ पर है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अच्छा, आपका मकान भी इसी जर में आ रहा है क्या? हमारा मकान पीछे है, पीछे है जी, पर यहाँ पर आप खड़ी हैं, बता रही हैं यहाँ गलत हो रहा है। हाँ। कैसे गलत है थोड़ा बताएंगे भाई? तकलीफ तो सभी को हो रही है ना, सभी को दुख तो सभी को हो रहा है। या तो पहले रोक दिया जाता कि ना हो ऐसा, अब बना पैसे लगे, सब बर्बाद हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। अकबर नगर प्रथम और अकबर द्वितीय के बाद अब यहाँ पर रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अबरार नगर में कार्रवाई की शुरुआत की गई है। हालांकि अभी कार्रवाई नहीं, केवल यहाँ पर सर्वे चल रहा है और यहाँ पर टीम आई हुई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल है और यहाँ पर पुलिस बल व्यवस्थाओं को संभाले हुए है, क्योंकि यहाँ पर जो टीम आई हुई है एलडी की टीम है, नगर निगम की टीम है, यहाँ पर सर्वे कर रही है, जो नक्शा लेकर आए हुए नक्शे के हिसाब से यहाँ पर देखा जा रहा है कि कौन कौन मकान, कौन कौन सी बिल्डिंग यहाँ पर कार्रवाई की जर में आती, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो बात कही जा रही थी पहले भी कि अकबर नगर प्रथम और अकबर नगर दूसरे के बाद यहाँ पर रहीम नगर, अबरार नगर और इसके साथ सन्निपस नगर में भी, पंत नगर में भी यहाँ कार्रवाई होगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए मास्क लगाए जा रहे हैं, मास्क के माध्यम से एक सीर मिलाई जा रही है और फिलहाल ये सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही मास्क है और इसके यहाँ पर फिलहाल आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बाउंड्री बनाई गई है और यहाँ पर ये कहा गया था कि कुकरैल का दायरा है और 50 मीटर के दायरे में यहाँ पर
जो है वो मकान यहाँ पर जो भी होंगे उनको हटाया जाएगा, और सामने जो रोड है वो रोड भी आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रोड है। रोड से यहाँ पर एक अलग तरह की व्यवस्था दिखाई जा रही है, बंधा सामने है जो बताता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अवैध घोषित किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कहें पहले भी सुखबुहार थी कि यहाँ पर अकबर नगर प्रथम और अकबर नगर द्वितीय के बाद यहाँ पर रहीम नगर, अबरान नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर के कुछ एरियों में, कुछ हिस्सों में यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कुकरेल को दोबारा जीवित करने की यहाँ का जो संकल्प उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया है उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मास्क भी लगाया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक मकान और सामने है जिस पर एक चिन्ह लगाया गया है, मास्क लगाया गया है। मास्क के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ये जो है ये गलत है और ये अवैध कार्रवाई की जर में आएगा निश्चित रूप से। अभी हालांकि जो सामने वाला मकान है वो आएगा कि नहीं आएगा, पर अगर हम बात करें लोगों की तो यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि अकबर नगर में जो आबादी है वो मिलीजुली आबादी पर, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी बड़ी आबादी यहाँ पर है, उसमें सभी वर्गों के लोग यहाँ पर शामिल हैं, वो यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ पर लोगों का रोज़ भी देखा जा रहा है, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर मकान लिया है, हमने यहाँ पर हम टैक्स भर रहे हैं, हमें यहाँ पर बिजली का बिल भर रहे हैं, फिर हम यहाँ पर अवैध कैसे हैं, हमने यहाँ पर वोट देते हैं। और यहाँ पर निश्चित रूप से हम आपको रोड भी दिखाएंगे कि ये रोड बनी हुई है, अगर ये अवैध था तो ये रोड कौन बनवाया है, ये भी बड़ा सवाल है यहाँ पर है। यहाँ पर रोड का आवंटन करने वाला कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की वो दिलाने वाला कौन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ सवाल उठता है। और यहाँ पर अवैध निर्माण करके रहने वाले लोग दोषी हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम आवंटन करने वाले भी दोषी हैं। पर हमने पहले भी देखा है कि अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, यहाँ पर कार्रवाई उनके खिलाफ भी होना जरूरी है जिन्होंने इस तरह के अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया और बसाया है। चाहे वो हम नगर निगम की बात करें और चाहे यहाँ पर रोड की व्यवस्थाओं की बात करें, स्थानीय पार्षद की बात करें, या जो भी यहाँ पर लोग रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर रोडें बनाई गई हैं ये भी बड़ा सवाल है। आवंटन पर भी सवाल है, व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर अभी होनी शुरुआत नहीं हुई है, अभी केवल यहाँ पर मास्क लगाया जा रहा है, चिन्ह बनाया जा रहा है, जो जो यहाँ पर अवैध कार्रवाई की जद में आएगा उसके खिलाफ यहाँ पर फिलहाल चिन्ह बनाया जा रहा है। अब आने वाले समय में क्या कोई अलग होगा, क्या ये मामला ऊपर जाएगा, क्या इस मामले में अपील की जाएगी, वो समय बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि अकबर नगर में हमने पहले देखा है, वहाँ पर भी तमाम चीज़ें की बातें कही जा रही थी, बताया जा रहा था कि निश्चित रूप से यहाँ पर गलत है। पर अगर गलत है तो यहाँ पर शासन को भी समझना पड़ेगा कि इनको अगर ये गलत है तो इनको बसाने वाले भी कार्रवाई की जड़ में जरूर आने चाहिए। क्या पसंद दीपक के साथ गौरव सिंह भारत लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।